स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल CG फार्मर पे। तो दोस्तों ये हमारा करेला है और इसमें डाउनी मिल्डी रोग लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसमें पीला पीला धब्बा आ जाता है और पूरा पौधे में इसी तरह का धीरे से हो जाता है। तो इसको डाउनी मिल्डी रोग बोलते हैं और यह खेत में ज़्यादा टाइम तक गीला रहने से, मतलब पानी भरने से भी होता है, जैसे कि बरसात के दिनों में, और ज़्यादा गर्मी के कारण भी होता है। तो मेरा जो हुआ है वो ज़्यादा गर्मी के कारण हुआ है, क्या है कि अभी गर्मी सीजन वाला मैं करेला लगाया हूँ और अभी तापमान बहुत ज़्यादा है और बीच में पानी भी आ गया था, तो थोड़ा तापमान का उतार चढ़ाव हुआ है, इसी कारण हुआ है। तो डाउनी मिल्डी यह एक फंगस है जो कि फंगस के अटैक के कारण आता है, और इसकी रोकथाम के लिए हमें इसमें कोई सा भी फंगीसाइड दवा चलाना पड़ता है। मार्केट में अभी बहुत सारे फंगीसाइड उपलब्ध हैं, जैसे कि क्लच हो गया, लूना, रीडोमिल गोल्ड, एंट्राकोल, आईबेक्स, फोलियो गोल्ड, नेटियो, कैस्टेडिया, साफ इत्यादि। मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड उपलब्ध हैं, आप इसकी रोकथाम के लिए कोई सभी फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। आपको अगर फोलियो गोल्ड मिल जाए मार्केट में, यह एक सिजेंटा कंपनी का दवा है, तो फोलियो गोल्ड चला दीजिएगा। काहे कि यह बहुत ही अच्छा दवा है और मेरे को नहीं मिला, इसीलिए मैं इसमें आईबेक्स चलाया हूँ। लगभग चलाए हुए मेरे को 10 दिन हो गए और कंट्रोल हो गया है, आप देख सकते हैं। फोलियो गोल्ड मैं आपको चलाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्या कि यह एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों का काम करता है। तो अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों इस फंगस के बारे में, बोले तो जिसको हम लोग डाउनी मिल्डी भी बोलते हैं। तो यह आपको पौधे पे दिखते ही इसका दवा आपको चला देना चाहिए, क्या कि यह पौधे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और यह पौधा को पूरी तरह नष्ट भी कर सकता है। तो इसको जब दिखे तो आपको जल्द से जल्द दवा चला देना चाहिए, और यह लगता ही है पौधों में, तो आप अगर हो सके तो 10-15 दिन के अंतराल में इसका दवा चलाते रहिए, जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं मैं जो दवा चलाया हूँ उसके बारे में। मैं जो दवा चलाया था वह है ये आईबेक्स, जिसमें कि मेटालोक्सी 8% व मेनकोजेब 64% है। दोस्तों मैं रीडोमिल गोल्ड भी चला सकता था, लेकिन रीडोमिल गोल्ड जो है उसमें मेटालोक्सी का परसेंट थोड़ा कम है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको चलाया। और यह मार्केट में मेरे को थोड़ा सस्ता भी मिला, यह लगभग मेरे को 130 रुपये पड़ा था और यह 100 ग्राम का है और 3 टंकी का दवा बनता है, जो 18 लीटर का स्प्रेयर होता है उसमें 3 टंकी बनता है। तो इसको मारने के बाद मेरा पूरा डाउनी मिल्डी रुक गया है। तो अगर आपका में भी हुआ है तो आप भी मार सकते हैं। और दोस्तों मेरा यह चैनल नया है और मैं यह चैनल नया बनाया हूँ, अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं और आप सभी को अच्छी जानकारी दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।